मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति का अब मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। सीएम ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाने की घोषणा की है। गुरुवार सुबह मिंटो हॉल में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे जबकि अध्यक्षता सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। वहीं राज्यपाल ने कहा कि अंग्रेजों से पहले की तक्ष शिक्षा को नालंदा जैसी विश्वपीठ थी। पहले इन विद्यापीठों में दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। ऐसे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है जो मध्य प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की बड़ी वजह बनेगी। राज्यपाल ने कौशल उन्नयन बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी करने, ऑनलाइन शिक्षा, तकनीकी आदि पर भी जोर दिया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कुलपतियों से कहा है कि वे कृषि और उद्योगों को जोड़कर बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। विश्वविद्यालय की मदद से राज्य शोध एवं ज्ञान फाउंडेशन बनाया जाएगा जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान को शेयर कर सकेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा शिक्षा वो जो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा, इसमें सारी चीजें अंतर्निहित है। अगर मैं इसके और विस्तार में जाऊं तो शिक्षा ऐसी हो जो ज्ञान दे, कौशल भी दे और नागरिकता के संस्कार भी दे। ज्ञान का मतलब हम सब समझते हैं, पीढ़ियों द्वारा जो संचित ज्ञान है, चाहे वो शोध और अनुसंधान के द्वारा विज्ञान का हो, इतिहास का हो, भाषाओं का हो, अन्य विषयों का हो, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिया जाए, नया कुछ और हम अर्जित करते हैं तो उसको जोड़ते हुए। और ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान, नई शिक्षा नीति में यह बात है। अगर आपने बीएससी करना है तो आप फिर इतिहास नहीं पढ़ सकते, आप भाषा नहीं पढ़ सकते, आपको केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नई शिक्षा नीति इस बात की अनुमति देती है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी हिंदी का उद्भट विद्वान बन सके, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके, इतिहास का अध्ययन कर सके। शिक्षा एकांगी नहीं होती। ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान और उन विषयों का ज्ञान जो वो चाहे। हम बांध नहीं सकते कि बस बंध गए तुम डिग्री के लिए इतना ही कर सकते हो। और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो दूसरी बात और उसमें समाहित है। ज्ञान मतलब तोता रतन तो नहीं है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, तोता रतन तो नहीं है। मनुष्य में नैसर्गिक, बच्चों में तो विशेष रूप से एक स्वाभाविक दक्षता होती है चीजों को जानने की, समझने की, समझ के उनमें और विस्तार करने की, शोध करने की, अनुसंधान करने की, जोड़ने की। और इसलिए जो नई शिक्षा नीति में जो अब ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, नहीं तो अंकों के पीछे वो क्या गाइड, कौन कौन सी परीक्षा के पहले पढ़ लो और रट रट आके पास हो जाओ, अब वो सही अर्थों में ज्ञान थोड़ी होता है। स्वाभाविक रूप से वो सीखे, हंसते खेलते मुस्कुराते, डंडा दे के मम्मी पापा ने भेज दिया कॉलेज, वो परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि सही ज्ञान। मैं बच्चों के संदर्भ में भी कहता हूं, मैं जब बचपन में कई बच्चों को मार पीट के भेजते थे स्कूल जा, और वो समझता था कैद खाना है स्कूल को, 4 बजे ऐसा भगता था बस्ता लेके घर पे। सही अर्थों में वो शिक्षा नहीं है। आप बताओ अगर पढ़ने के बाद अगर रोजी रोटी नहीं कमा सके तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व। मुझे याद है जब हम पहले पूछते थे क्या कर रहे हो, बीए कर रहा हूं, बीए के बाद क्या करोगे,
गणेश तिवारी मेरे साथ संवाददाता इंदौर से लाए जुड़े हुए हैं, उनसे इस खबर में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गणेश, यकीनन नई शिक्षा नीति का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश में हो चुका है, और जिस तरीके से कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केवल शिक्षा ज़रूरी नहीं है, शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ा जाएगा, तभी जो है युवाओं को रोज़गार में आसानी होगी, युवाओं को रोज़गार जल्दी मिलेगा, और ये नई शिक्षा नीति उन्हें शिक्षा के साथ कौशल भी सिखाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पहला ऐसा राज्य है जहां पर जो शिक्षा का है, जो तकनीकी है, उसको लेकर अब जो है आप भोपाल के मिंटो हॉल में इसकी घोषणा की गई है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर जो है इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर अगर बात करें तो राज्यपाल मंकू भाई पटेल भी उपस्थित थे। और निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जो तकनीक है, नई शिक्षा तकनीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा, वो शोध के अवसर पर जो विद्यार्थी होंगे उनके कौशल और बुद्धि विवेक के तर्ज पर भी उस पर भी उन्हें लाभ मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बना है जहां पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर अब जो है शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर विद्यार्थी कितने उत्सुक होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसका फायदा देखते हुए को नजर आएगा। जी बिल्कुल गणेश, कुलपतियों को लेकिन जो है एक आदेश जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि आप महाविद्यालय जाएंगे, उनके दौरे करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ये नहीं होगा कि आप केवल बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हो, उस स्थितियों के अनुसार आकलन कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली और फिजिकली जाना होगा, दौरा करना होगा, चीज़ों को समझना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, नई जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तर्ज पर जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है, अब उसमें यही है कि बच्चों के बुद्धि विवेक और कौशल को लेकर अब उन्हें नए नए आइडियाज और नए नए चीजें शेयर तो बच्चों को जहां करनी है, जो स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको शेयर करनी है। साथ ही जो कुलपति होंगे, जो अध्यापक होंगे, उन्हें भी अब उस शोध केंद्र में सम्मिलित होकर जो है पूरी तरह से निरीक्षण करना होगा, और नई नई तकनीकों के साथ जो है नई नई चीजों के साथ जो है उनके साथ इंटरेक्ट होना होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो शिक्षा नीति है, अब जो मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ होने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में वहां पर जो घोषणा हुई है कल, इसका गुरुवार को, तो इसका निश्चित तौर पर बच्चों को, विद्यार्थियों को तो फायदा मिलेगा। और अब ये बिल्कुल गणेश, यहाँ पर एक और अहम चीज है जो नजर आ रही है, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कंपनियों को भी हमारे साथ साझेदारी करनी होगी, यानी कि इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी बच्चों को आगे प्रेरित करने के लिए जो व्यावसायिक उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं उन्हें हमारे साथ एक तरीके से बॉन्ड करना पड़ेगा, ताकि इन बच्चों को जो ट्रेनिंग लेकर के कोर्स कंप्लीट करके जाएं, वो आगे चल के वहाँ ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने भविष्य को बना सके, ये ना हो कि उनके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं। देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात करें तो वर्तमान में अगर बात करें जो शिक्षा नीति के तर्ज पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी, अभी सबसे ज्यादा अगर समस्या आ रही है तो वो रोजगार को लेकर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिग्री तो हो जाती है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होता है, और ऐसे में रोजगार की लगातार जो है मांग होती है। ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति के तहत जो घोषणा की है, तो उनका, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी यही लक्ष्य है कि जो यूनिवर्सिटी होंगी, जो कॉलेजेस होंगे, वहां पर जो रोजगार को लेकर, चाहे वो कृषि विभाग से रिलेटेड हो या किसी भी विभाग से रिलेटेड हो, ऐसी कई कंपनियों को वहां पर टाई अप किया जाएगा, ताकि जो विद्यार्थी डिग्री हासिल करता है अपनी कौशल और बुद्धि विवेक के तर्ज पर, जो वो डिग्री हासिल करता है उसके आधार पर उसे एक सही रोजगार मिल सके, सही ढंग से उसका कहीं जॉब लग सके, ताकि उसकी जो आमदनी है वो एक चालू हो सके, क्योंकि वर्तमान में अभी जॉब यानी कि जो रोजगार है उसकी काफी ज्यादा समस्या हो रही है, और लोग जो है बेरोजगारी की तर्ज पर ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही लक्ष्य है कि जो नई शिक्षा नीति के तर्ज पर है, जो नई यूनिवर्सिटियों को या फिर जो कॉलेज होंगे उनको जो टाई अप किया जाएगा, उन कॉलेजों से या यूनिवर्सिटियों से कंपनियों को टाई अप किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी को उसकी योग्यता और शिक्षा के हिसाब से उसे सही रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल गणेश, यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें, जिनके लिए शिक्षा नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उनका क्या कुछ रिएक्शन अभी तक सामने आया है नई शिक्षा नीति को लेकर के? देखिए, अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो निश्चित तौर पर इस शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान के नए नए जो है आइडियाज होंगे, और क्योंकि जो विद्यार्थी होंगे उन्हें भी अब उस चीज पे
किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पर्टिकुलर पर टॉपिक पर जाकर उस पर वो अनुसंधान कर सकते हैं या शोध कर सकते हैं या अपने आइडियाज पर व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी पहल है और सब विद्यार्थी कई विद्यार्थियों ने भी हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पर सराहना की है क्योंकि जो नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है उस पर जो नए अब नए नए ऐसे कंटेंट जो जोड़े जाएंगे और पुराने तर्ज पर अगर बात करें तो जैसे इसके पहले भी अगर चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी रही हो या फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी रही हो इन्होंने भी इसी तर्ज पर जो शिक्षा नीति के तर्ज पर ऐसे अनुसंधान और ऐसे बच्चों को या विद्यार्थियों को उन्होंने इस पे सम्मिलित किया है जिससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। तो हालांकि इस पहल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो मध्य प्रदेश ने पहला कदम उठाया है पहला राज्य बना है तो कई विद्यार्थी हालांकि इसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पर सराहना भी की है। जी बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद गणेश के साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी मेरे साथ इंदौर से लाइव जुड़े थे। सीधे तौर पर आपने सुना कि सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। उस बड़ी पहल की कहीं ना कहीं सराहना इसलिए की जा रही है क्योंकि शिक्षा के साथ कौशल को जोड़ करके युवाओं का भविष्य बनाया जाएगा।